बैंकिंग नो व्याप वधी रह्यो छे त्यारे शेर बजार में आवता आईपीओ में रोकाण करता लोको माटे पण हवे मोटो बदलाव आवी रह्यो छे। सेबीना नवा नियम मुजब पहली एप्रिल थी तमाम आईपीओ मात्र यूपीआई आईडी अथवा नेट बैंकिंग थी ज भरवामां आवशे। अत्यार सुधी ब्रोकरो द्वारा जे फिजिकल फॉर्म आपवामां आवता हता ते हवे नहीं मळे। बैंको में आ फिजिकल फॉर्म सबमिट करवाथी घणी वखत विलंबनी फरियादो उठती हती। हवेथी बैंकोए पण आईपीओ पूर्ण थया बादना 5 दिवसमां पेमेंट रिलीज करी देवानुं रहेशे। पहली एप्रिल थी मेन नियम ये आ रह्यो छे कि तमे फिजिकल फॉर्म थी आईपीओ नहीं भरी सको। तमारे आईपीओ भरवो हशे तो तमारे यूपीआई थ्रू और नेट बैंकिंग थ्रू तमारे एप्लाय करवो पड़शे। 70-80% नो वॉल्यूम ऑलरेडी रूरल नी अंदर सॉरी अर्बन नी अंदर ऑनलाइन यूपीआई बेस और नेट बैंकिंग बेस शिफ्ट थी ज गयु छे, जे रूरल में थोड़ू 60-70% जेवू छे। એટલે મેજર આ નિયમથી ચેન્જીસ આવે એવું લાગતો નથી, એવું મોટું વોલ્યુમમાં ફરક નહીં પડે। બીકોઝ લાસ્ટ 6 મહિનાના આઈપીઓ ઘણા સારા રહ્યા છે, આઈપીઓ માર્કેટ ઘણું એક્ટિવ છે। એટલે જેમ બને એમ વહેલે તકે ક્લાયન્ટો જે વ્યક્તિઓ પાસે નેટ બેન્કિંગ નથી કે યુપીઆઈ નથી, એ લોકો જેમ બને એમ વહેલા તકે આ વસ્તુ યુપીઆઈ નેટ બેન્કિંગ ચાલુ કરાવડાવી દેશે।